हमें इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ √5 इसको एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोग मान लेते हैं। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और साथ ही साथ पी और क्यू का एचसीएफ हमारा कितना होना चाहिए, हमेशा ही वन होना चाहिए, वन होना चाहिए। और एक कंडीशन होता है कि यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग यदि परिमेय मान लेते हैं √5 को, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी पूर्णांक है तथा ए और बी में ए के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि ए और बी का एचसीएफ क्या है हमारा, एक है। तो यहाँ पे पी बाई क्यू की जगह पे ए बाई बी भी लिख सकते हो, या फिर इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट आप लेके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है ए बाई बी, क्योंकि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो इसको बाय में लिखेंगे ना, ए बटा बी। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं बी के साथ √5 को, और 5 के नीचे कुछ नहीं है तो √5 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो ए ही रह जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आता है, बी √5 बराबर ए। फिर थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, सजा के लिखने के बाद हमको क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू √5 बी। और इसको हम क्या करते हैं, अभी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, √5 × √5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। √5 एंड √5 को इंटू करने से हमारे पास कितना मिलेगा, 5। तो इस प्रकार से 5 हो गया, और बी के स्क्वायर करने से 20² हो गया। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमको मेन समझना है यहाँ पे जो चीज़ लिखा गया है। अब देखिए, मान लेते हैं ए जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b² यानी कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। कोई भी संख्या मान लीजिए बी को, 1 2 3 4 कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, उससे कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी संख्या ले लीजिए आप। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक ही ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे वह संख्या लेंगे जो 5 से विभाजित होगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 5b² दिया हुआ है, यानी कि ये जो 5 है हमको क्या करेगा, ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, ए स्क्वायर से पूरी पूरी तरह से भाग लग जाएगा। तो ये यदि 5 लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 25 हो गया और इधर 5 हो गया ना, जब काटेंगे या फिर क्रॉस करेंगे तो पूरा तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्योंकि ए स्क्वायर बाई, इसको 5 भी लिखा जा सकता है, इसको ए स्क्वायर बाई हम कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, इसको हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b² है, इसको ए स्क्वायर बाई 5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे ये पूरी पूरी तरह से भाग लग जा रहा है, यानी कि विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लेके, और इसलिए कह सकते हैं कि 5a को विभाजित करेगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे b² के जगह पे k ले लेते हैं, मान लेते हैं k कोई पूर्णांक है, यहाँ पे b भी इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है, 5k क्या है, कोई पूर्णांक है, जिस तरह से a और b पूर्णांक है यानी इंटीजर है, तो उसी तरह k को भी b² के जगह पे कोई हम लोग पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। अब a का मान जो हम लोग 5k लिए हैं, इसको समीकरण 1 में बैठाते हैं, a का मान। तो समीकरण 1 में बैठाने पर हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का समीकरण 1 क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b². तो यहाँ पे जब ए का मान बैठाएंगे 5k, तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 k², और इधर हो जाएगा 5b² तो एज इट इज़ वही रह जाएगा। तो जब यहाँ पे क्रॉस कर देंगे 5, 25 को 5 से, तो 5 बच जाएगा, यहाँ पे 5
कट के खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से 5k² इक्वल टू 20² बचेगा। देखिए इसको रफ में आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि 5k² इज इक्वल टू 5b², तो 25k² हो गया और इज इक्वल टू 5b². ये जब इसको क्रॉस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 होगा, k² इज इक्वल टू 20², तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। फिर हम लोग करते हैं, अब देखते हैं कि जिस तरह से हमने समीकरण 1 और 2 को लिखा था उस तरह से अभी फिर से हम लोग लिखेंगे। हम कह सकते हैं कि 5b² को विभाजित करेगा या फिर 5b को भी विभाजित करेगा, ऐसा भी लिख सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि समीकरण 2 से हमें पता चल रहा है कि 5a को विभाजित करेगा और समीकरण 3 से हमें पता चल रहा है कि 5b को विभाजित करेगा। ठीक है, इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें यह पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनफल कितना है, 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हम जो माने थे कि जहाँ ए और बी पूर्णांक है तथा दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पे हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल के सामने आया है, जो हमारी कल्पना के पूरी तरह से उलट है। तो ये हमारा जो विरोधाभास है, हमारी जो कल्पना हम लोग किए थे स्टार्टिंग में उसके कारण हुआ है। और हमारा कल्पना क्या था कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।